हम फिलहाल आ चुके थे अपने टाटा सिग्मा के पास और आइए इसका कंडीशन देखते हैं। हेलो व्यूअर्स, वी आर कमिंग बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो अभी हम फिलहाल आए थे चिकरदगा, यहाँ पे हमारी गाड़ी आई थी तो फिलहाल उसका भी कुछ काम हो रहा था। तो और हमारे जो टाटा सिग्मा है ना, उसका आज सर्विसिंग है, तो आपको कुछ ही देर में आपको लेके चलते हैं वहीं पे, आपको दिखाते हैं टाटा शोरूम का सर्विसिंग कैसा है, अच्छा सर्विस है या खराब सर्विस है, इस वीडियो में आपको पता चलने वाली है टाटा शोरूम की। तो आपको लेके चलते हैं टाटा शोरूम के पास। अभी हम फिलहाल आ चुके थे मंगलपुर, यहाँ पे हमने जो टाला बॉडी है उसको अभी डीजल दे रहे हैं फिलहाल, और उसके बाद डीजल दे के इसको चलते हैं। इसका थोड़ा कुछ काम था तो आपको बताते हैं आगे चल के क्या काम है इसका, और वो अभी हम कराने वाले हैं थोड़ी देर में। और वैसे हमारी और एक दूसरी गाड़ी थी उसका भी हवा लीक कर रहा था तो उसका अभी हवा का काम चलेगा यहाँ पे, इस पाइप को रिपेयर करना पड़ेगा। गाड़ी भदभदा रहा। अच्छा, तो फिलहाल अब ये ठीक हो चुका है और इसका काम कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं अपनी टाटा सिग्मा के पास। हम फिलहाल आ चुके थे अपने टाटा सिग्मा के पास और आइए इसका कंडीशन देखते हैं। अभी फिलहाल का टायरा दावत रहेगा, सब टायर पे दावत। अच्छा, तो फिर से अलाइनमेंट कराए पड़ी ना। हाँ ये थी, अब फिर बेलूना फिर दिक्कत करता का, दिक्कत नहीं है ना करा तब ठीक हुआ। आज सर्विसिंग में बहुत भीड़ है, मैं तो आज ही भेज देती है। अरे पेनी ये नहीं होता बता का, तीन चार बार अलाइनमेंट हो गया पता है कर, टायरा ज्यादा दाबत आ रहा, तीन चार बार अलाइनमेंट हो गया कर, एक टायरा कटा था वो वही वाला। तो वैसे अभी जा रही थी हमारी गाड़ी सर्विसिंग में, तो वहाँ पे काफी भीड़ हो रहा था, तो इसीलिए हमने गाड़ी को बुला लिया है और अपना फिर नंबर दूसरे डे पे पोस्टपोन करा लिया है। हो सके तो 4 या 5 को जाएंगे, अभी फिलहाल जाएंगे नहीं। और अभी थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम दे रही थी, वो ज्यादा प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई बात नहीं है, बट अलाइनमेंट का थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो अलाइनमेंट कुछ ही दिनों बाद अलाइनमेंट भी होगा और सारा चीज होगा, तो वो चीज आपको देखने मिल जाएगी। तो अभी हमने जाना कैंसिल कर दिया था क्योंकि काफी भीड़ था और काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, इसीलिए हमने कैंसिल करा दिया था। तो अपना नंबर हमने पोस्टपोन करा लिया है और वो हमारा डेट पर आए 4 या 5 को, वो अभी डिसाइड नहीं है, वो कंफर्म हो जाएगा, वो लोग हमको कंफर्म कर देंगे तो उसके बाद हम लोग जाएंगे उस दिन। तो आज हम फिलहाल जा नहीं रहे और हमारी गाड़ी हमारे पास आ चुकी थी, ये रही हमारी गाड़ी फिलहाल। और इसका कंडीशन का बात करें तो अभी फिलहाल सारा कंडीशन सही है और कोई दिक्कत मेजर प्रॉब्लम नहीं आ रहा हमारा, एक बस ये टायर खाने वाला प्रॉब्लम दे रहा था जो अलाइनमेंट का वजह से हो रहा था। हमने 3-4 बार अलाइनमेंट करा लिया था फिर भी ये प्रॉब्लम दे ही रहा था, तो अब सर्विसिंग कराने जाएंगे तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन कुछ कराते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं तो काफी ज्यादा हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है उसके वजह से। तो सर्विसिंग हमारी आज गाड़ी का नहीं होगा क्योंकि हमारा नंबर काफी पीछे था, अगर हम गाड़ी को भेजते भी थे तो हमारा काफी टाइम वेस्ट हो जाता, उसके वजह से हमने गाड़ी को भेजा नहीं है और हमने अपना डेट पोस्टपोन करा लिया था, वो हमारा 4 या 5 को पड़ेगा। तो आपको आने वाला टाइम में देखने मिल जाएगा और सर्विसिंग का वीडियो के लिए आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा नंबर आया नहीं था और अगर जाते ही गाड़ी भेजते भी ना तो काफ़ी ज़्यादा टाइम खा जाता हमारा, तो इसीलिए हमने गाड़ी को भेजा नहीं, हमने उनसे बात उठ कर ली थी तो हमने अपना डेट को पोस्टपोन करा लिया था। तो ये टाटा सिग्मा का फर्स्ट सर्विसिंग का डेट हमारा 4 या 5 को मिलेगा, तो आपको आने वाले वीडियो में पता चल जाएगा। तो आपको दिखाएंगे टाटा सर्विसिंग कैसा देता है हमारा टाटा सिग्मा का और क्या कॉस्टिंग आती है टाटा सिग्मा का फर्स्ट सर्विसिंग में, तो ये सारी चीजें आपको कुछ टाइम बाद पता चलेगी, 4 या 5 या मैं भी आपको 6 को अपलोड होगी ये वीडियो, तो आपको पता चलेगी कि टाटा सिग्मा फर्स्ट सर्विसिंग में क्या कॉस्ट आती है हमारी और टाटा शोरूम का सर्विस कैसा है, ये सारी चीजें आपको आने वाले वीडियो में पता चलेगी। तो आपको कोई भी डिटेल होगा तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहां से, और भी कोई क्वेश्चन होगा तो हमसे पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज हमारा सर्विसिंग नहीं होगा, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, तो फिलहाल यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में
और आपको दिखाते हैं हमारा दिन कैसा बीत रहा है। तो फिलहाल हम आ चुके थे अभी अंडाल और हमारे पास एक गाड़ी सेल में थी, जो आप लोग पूछ रहे थे हमसे कि कोई गाड़ी सेल में है या नहीं। और ये वो गाड़ी थी जो अभी सेल में थी, यूपी नंबर की थी। अगर आपको किसी को परचेस करना हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और इसका आपको आगे का लुक दिखाते हैं, आगे का लुक कैसा है। और ये रहा इससे कुछ आगे का लुक, और इसका आउटसाइड का लुक कुछ ऐसा है इसका। अगर किसी को परचेस करना हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी में जाके, हमें डीएम करके। तो आपको मैं इस गाड़ी का प्राइस एंड सारा डिटेल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपको डाला का भी कंडीशन दिखाता हूँ कि डाला कंडीशन कैसा है इसका। और ये कुछ बैक का पोर्शन है, देख सकते हैं। और आपको अंदर का कंडीशन दिखाते हैं कैसा है। ये कुछ डाला कंडीशन है कुछ ऐसा। अगर किसी को परचेस करना हो तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका था, यहाँ पे हमें रिसीविंग लेना था इससे, और रिसीविंग लेके यहाँ से चलते हैं थोड़ी देर में। और एक बात, आप लोगों इसका टायर भी कंडीशन आपको दिखा देते हैं कि टायर का कंडीशन कैसा है इसका। तो ये कुछ फ्रंट का टायर का कंडीशन है, देख सकते हैं। और ये स्टेपनी है, और ये बैक का टायर है, और उस साइड का भी टायर आपको कंडीशन दिखा दे रहे हैं कि टायर का कंडीशन कैसा है। और कुछ आज का मौसम ऐसा हुआ है, लग रहा काफी तेज बारिश होगा। ये अंडाल का व्यू है, और बगल में आपको रिलायंस पेट्रोल पंप देखने मिल जाएगा। और ये आपका देख सकते हैं राइट साइड का लुक है टायर का, ये दोनों टायर देख सकते हैं कंडीशन इसका, और ये भी टायर का कंडीशन देख सकते हैं। और ये स्टेपनी का कंडीशन है, और ये फ्रंट का जो फ्रंट व्हील होता है वो है, देख सकते हैं इसका कंडीशन कुछ ऐसा है। तो ये सारी चीजें थी, अब यहाँ से हम लोग निकलते हैं। तो अभी देख सकते हैं काफी जोरदार अभी बारिश हुआ, और अभी बारिश शांत होने के बाद कुछ ऐसा मौसम हुआ है। तो फिलहाल हमारे साथ हमारे दोस्त आकाश भाई भी आ चुके थे, और काफी प्रसिद्ध है हमारे कचौड़ी भाई, कचौड़ी नाम से, तो वो भी आ चुके थे हमारे साथ। और अभी हम फिलहाल जा रहे थे, दुर्गापुर जाने वाले हैं, तो वहाँ पर कुछ काम था हमें, तो थोड़ी देर में वहाँ से निकलेंगे, देन वो सारा काम निपटा के आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। तो फिलहाल अभी रात हो चुका था, और हम आ चुके थे पंजाई मोड़, और हमारे साथ थे हमारे आकाश भाई। तो यहाँ कुछ काम था हमें, तो वो काम निपटा के और यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं हम लोग। तो फिलहाल काफी रात हो चुका था, इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट।